हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है करण प्रताप और आप सभी को स्वागत करता हूं करण प्रताप टिप्स यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सबको बताऊंगा, अगर आपकी फेसबुक आईडी मुझे बहुत सारे कमेंट देखने के लिए मिला है, जो मेरे व्हाट्सएप पे भी बहुत सारे मैसेज आया है, तो बोल रहा है भाई मेरा फेसबुक आईडी हैक हो चुका है और मेरा ईमेल आईडी जिस जो फेसबुक आईडी में ईमेल आईडी रजिस्टर किया था वो ईमेल आईडी से मेरा पासवर्ड भी फॉरगेट नहीं हो रहा है। तो ये सब जो आपकी लापरवाही की वजह से ये सब आपकी आईडी हैक हो जाता है और बाद में आप वीडियो यूट्यूब पे सर्च करते फिरते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं बताऊंगा कुछ ऐसी सेटिंग के बारे में, अगर आप सेटिंग करके रखेंगे तो जो भी आपके हैकर होगा वो आपका आईडी हैक नहीं कर पाएगा। और ये आपकी गलत फहमी जो रहता है, जो किसी के फ़ोन में आप अपना फेसबुक आईडी को लॉगिन कर देते हैं, तो इसका सोल्यूशन मैं इस वीडियो में पूरा बताऊंगा। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में घंटे उसे प्रेस कर लीजिए, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना फेसबुक आईडी को ओपन कर लेंगे। तो देख सकते हैं मेरा फेसबुक आईडी ओपन हो चुका है। उसके बाद आपको क्या क्या इसमें प्रोसेस करना है जो फेसबुक आईडी हैक ना हो, ठीक है। तो उसके लिए देख सकते हैं यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा यहाँ से थ्री लाइन का ऑप्शन, इस थ्री लाइन पर आपको क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप स्क्रॉल करके आपको नीचे आ जाना है, ठीक है। नीचे आने के बाद यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से सेटिंग एंड प्राइवेसी, ठीक है, इस पर क्लिक कर लीजिए। सेटिंग एंड प्राइवेसी पर क्लिक करने के बाद और आपको यहाँ से दिखाई पड़ रहा है सेटिंग का ऑप्शन, इस सेटिंग पर क्लिक कर लीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, तो ये पहला ऑप्शन और ये दूसरा, ठीक है, और ये मैं तीसरा को बताऊंगा, ठीक है। तीन ऑप्शन आज भी बताऊँगा। अगर आप सबसे पहले पहला सेटिंग जो है यहाँ से देख सकते हैं, इस पर्सनल जो है यहाँ से पर्सनल एंड अकाउंट इन्फॉर्मेशन, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से इस तरह से ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से मैं सेटिंग बताऊँगा जो आप सेटिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं यहाँ से कॉन्टैक्ट इन्फो का ऑप्शन यहाँ से दिखाई पड़ रहा होगा, कॉन्टैक्ट इन्फो, इस वाले पे क्लिक कर लीजिए। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए मैं फेसबुक आईडी आप मोबाइल नंबर से बनाएंगे तो मोबाइल नंबर पर यहाँ से देख सकते हैं ऐड नंबर, ठीक है, ऐड नंबर पर क्लिक कर लीजिए। इस पर जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद जो हैकर होता है वो क्या करता है, जो यहाँ से नंबर आपकी यहाँ से रिमूव करके वो अपना नंबर सेट कर लेता है, इसलिए आपका आईडी यहाँ से अपने फ़ोन में लॉग आउट हो जाता है। तो इस यहाँ से देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे मैं नंबर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ, इस नंबर पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। नंबर पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से रिमूव का ऑप्शन, यहाँ से रिमूव कर सकते हैं आप, अगर हैकर को पासवर्ड भी पता चल गया तो यहाँ से रिमूव कर देगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको देख सकते हैं यहाँ से ईमेल का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ से ईमेल ऐड ईमेल, तो ऐड को आपको ईमेल ऐड करना है, ठीक है। ईमेल जैसे मान लीजिए मैं ईमेल देख सकते हैं करण प्रताप है, ठीक है, तो मैं इसको क्लिक कर लेता हूँ। इसको क्लिक करने के बाद देख सकते हैं यहाँ से प्राइमरी का ऑप्शन, ठीक है, यहाँ प्राइमरी जो आपको ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा, इस प्राइमरी का ऑप्शन है, जहाँ पर यहाँ से एक बार इसमें ईमेल आईडी सेट कर देंगे तो आपके कोई भी हैकर होगा, कोई भी कुछ करेगा, लेकिन आपके आईडी का यहाँ से ईमेल आईडी निकाल नहीं पाएगा, मतलब हटा नहीं पाएगा। तो यहाँ से आप प्राइमरी करने के लिए यहाँ से देख सकते हैं ऐड ईमेल आईडी पर यहाँ से क्लिक कर लेना है, यहाँ से देख सकते हैं ऐड ईमेल एड्रेस, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा, तो यहाँ से अपना जो भी ईमेल आईडी है उसको एंटर कर लीजिए और यहाँ से ऐड कर लीजिए। उसके बाद ईमेल आईडी पे कोड भेजा जाएगा, वो कोड भी इसमें फिलअप कर लेना है। कोड को फिलअप करने के बाद फिर इस तरह से प्राइमरी ईमेल आ जाएंगे, तो देख सकते हैं यहाँ से प्राइमरी ईमेल आपको भी ऐसा दिखाई पड़ जाएगा। तो ये पहला सेटिंग हुआ, चलिए मैं दूसरा सेटिंग में बता देता हूँ। तो बैक आ जाना है, यहाँ से बैक आने के बाद देख सकते हैं दूसरा सेटिंग यहाँ से आपको दिखाई पड़ रहा होगा, सिक्योरिटी पासपोर्ट एंड सिक्योरिटी का, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने फिर इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अगर आप जितना भी फ़ोन में लॉगिन करेंगे तो देख सकते हैं सी ऑल पे यहाँ से क्लिक करेंगे, सी ऑल पे क्लिक करने के बाद और यहाँ से जितना भी फ़ोन में आप अपना डिवाइस को लॉगिन किया अपना फेसबुक आईडी को, सब यहाँ से शो हो जाएगा। और यहाँ से क्या करना है, सबको यहाँ से लॉग आउट कर लेना, जैसे देख सकते हैं यहाँ से थ्री डॉट का ऑप्शन, थ्री डॉट पर क्लिक कर लीजिए। क्लिक करने के बाद नीचे देख सकते हैं लॉग आउट का ऑप्शन, ठीक है, तो सबको लॉग आउट कर लीजिए। लॉग आउट करने से होगा क्या, आप यहाँ से आईडी को सेफ रहेगा, ठीक है, सुरक्षित रहेगा, आपकी आईडी को कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से अपना लॉग आउट कर लीजिए फटाफट में सब आईडी को, ठीक है। और यहाँ से अपना क्या करें, सबसे मेन पॉइंट बताना चाहूँगा, यहाँ से पासपोर्ट को खास करके अपना चेंज कर लीजिए, ठीक है। जो भी आप यहाँ से, अगर मान लीजिए आपके यहाँ से पूरा भरा है, सबके में ऐड है आपका फेसबुक आईडी, तो पासपोर्ट को चेंज कर लीजिए। चेंज करने के बाद यहाँ से देख सकते हैं यहाँ से आपको इस टू फैक्टर लॉक पर क्लिक कर लेना, ठीक है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको मेन सेटिंग में बताऊंगा, अगर आप किसी को पासपोर्ट भी बता भी देते हैं तो वो आपके यहाँ से पासपोर्ट अगर जान भी गया है तो वो आपके यहाँ से आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा, सिर्फ आपका परमिशन उसको देंगे तभी आईडी लॉगिन कर पाएगा।
इसके लिए यहाँ से देख सकते हैं, इस पर क्लिक कर लीजिए, टैक्स टैक्स मैसेज SMS, ठीक, इस पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। इस पर क्लिक करने के बाद आपकी इस तरह से मोबाइल नंबर, जो भी मोबाइल नंबर पर आपको, जैसे मान लीजिए कोई भी अगर फ्रेंड को आप अपना फेसबुक आईडी लॉगिन करने के लिए दे देते हैं, पासवर्ड, ईमेल आईडी, तो वो लॉगिन करने के लिए चाहेगा तो आपको यहाँ से 6 अंक का इस नंबर पे कोड गिरेगा, ठीक है। इस नंबर पे आपको कोड गिरेगा तो ये आपको कोड उसको बताएंगे तब आपकी आईडी लॉगिन कर देगा, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ से कंटिन्यू पर क्लिक कर लीजिए। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ से वो कोड मेरे फ़ोन में भेजा गया है, ठीक है। तो मैं कोड को वेट कर लेता हूँ। तो देख सकते हैं मेरा कोड आ चुका है, मैं कोड को फिलअप कर लेता हूँ। तो कोड को मैंने फिलअप कर दिया और नीचे देख सकते हैं कंटिन्यू का ऑप्शन, कंटिन्यू पे क्लिक कर लेता हूँ। अब किसी कोई भी यहाँ से, जैसे यहाँ से आपको ऑन कर लेना, ठीक है। यहाँ से देख सकते हैं इसको ऑफ होगा, इसको ऑन कर लीजिए, यहाँ से नीचे डन कर लीजिए। डन करने के बाद यहाँ से 2 वेरिफिकेशन कोड इसमें लग चुका है, देख सकते हैं यहाँ से। आप अगर आप इसको ऑफ भी करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से ऑफ पर क्लिक करेंगे तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपको ऑफ नहीं करना है, सिंपल ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। अगर आपकी किसी को फ्रेंड को अपना भी पासवर्ड बता भी देते हैं तो यहाँ से आप अपना आईडी को लॉगिन नहीं कर पाएगा। तो इस तरह से आपकी आईडी हैक होने से सुरक्षित रहेगा और आपकी आईडी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो उम्मीद करता हूँ मेरा वीडियो आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आया इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटिया उसे भी प्रेस कर लो, लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।